सो हेलो गाइस, एक और बहुत तगड़ी अमेजिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे के अपनी थार के ऊपर भाई नंबर प्लेट लगाने के लिए, इसका नंबर मैंने चॉइस वाला लिया है। सो क्या नंबर है सबसे पहले गैस करो, लास्ट में बने बस मैं इतना बताता हूँ और स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। सो आज का जो नंबर हम लगवाने आए हैं भाई, आप सबसे पहले अपने हुंडई के शोरूम में, हमने नंबर प्लेट अपनी महिंद्रा के शोरूम से ले ली थी और अभी हमें हुंडई के शोरूम में, क्योंकि जो हमारे यहाँ के महिंद्रा वाले हैं उनकी नंबर प्लेट लगती है हुंडई के शोरूम के बाहर पे, और एक स्कॉर्पियन भी हमारे सामने सामने लगी है और एक थार रॉक्स और खड़ी है उधर, और अभी हमारे का नंबर है तो भैया यहाँ पे आ चुके हैं और मैं जल्दी से नंबर रिवील तो कर दूंगा, बट टाइम लगने वाला है। रखे अपनी नंबर प्लेट से, ये चेक कर लो तो पता लग गया होगा 1111 स्टार्टिंग में बस 9S हो, ये अपना नंबर है। भैया वो गोटी वाले लगा दो, गोटी वाला जो लगता है, इसके एक स्टिकर भी है लो इसका ना, मेरा एक स्टिकर। सो गाइस ये नंबर आया अपनी गाड़ी का, तुम सभी को शो करा दूंगा अभी। सो ये आया है अपनी गाड़ी का नंबर, अभी तुम्हें रिवील करने वाला हूँ मैं। ये भैया हैं गोटी वाले लगा रहे हो ना भैया, जो गोटी वाला लगता है भाई। ठीक ठीक है, चार्जेबल कितना? 500। अरे हाँ यार ऐसा ना करो यार, हम तो यूट्यूबर लोग हैं, हमें ज़्यादा लूटोगे क्या? या होता क्या ऐसा है? ये भैया लगा रहे हैं हमारा नंबर यहाँ पे, वीडियो नहीं बनानी? अच्छा अच्छा आपकी ना बनाओ ना, ठीक है लगाते हुए तो दिखा सकता हूँ, लगाते हुए दिखा लूँ, लगाते हुए बस नॉर्मल ठीक है। सो गाइस भैया थोड़े से कह रहे हैं कि मेरी मत बनाओ यार, मैं थोड़ा शाय हूँ कैमरा से। आप तो नहीं हो शाय? अच्छा तुम भी शाय हो क्या? अरे यार ऐसा यार, हमने 20 लाख रुपए खर्च करे हैं महंगे, इसलिए कर रहे हैं वीडियो ना बनाओ यार। नहीं मतलब अच्छा, मतलब इतना बता रहा हूँ जैसे कि भैया लगा रहे हैं तो इतना दिखा रहा हूँ, शर्मा आपको ब्लर कर दूंगा और बताओ खुश ठीक है। हाँ दिक्कत मत दो, ब्रैकेट 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 का क्या सीन है? ब्रैकेट एक सेकंड में गाइस पता कर लेता हूँ पहले इसके, अपने फोन है तेरे पे? हमने अपने ताऊजी से कंफर्म कर लिया और मेरे ताऊजी कह रहे हैं बिल्कुल लगवा लो भाई वो बक्से वाली, क्योंकि उससे नंबर वगैरह मुड़ती नहीं है ना। तो ये अपने गाड़ी का नंबर है 9111। कैसा लग रहा है नंबर? सही है, देखने में तो ठीक ही लगेगा यार, दूर से तो बाद में ही सही लगेगा। हमने तो यही लिया, हमने पहले 8000 लिया था, अब वही वाली बात है, आपको दलाल लोग जो है ना वो 5000 ऊपर मिले हैं तो गायब कर देता है नंबरों को, वही वाला मसला है। बट कोई नहीं गाइस, सही नंबर हमारे लिए जो हमें लगा वो हमने ले लिया, जो हमें सही लगा 8000 के बाद, क्योंकि 8000 में मिल नहीं पाया, फिर 9111 हमने लिया है। यह है जो कि नंबर प्लेट, अभी लगवा के गाड़ी पे तुम्हें लुक दिखाऊंगा कैसा आ रहा है अपनी थार का, और बताना भाई इस टाइम कैसी लग रही है, प्यारी सी लग रही होगी मुझे पता है। बाकी तो भैया अंदर लेने गए अपने वो प्लास्टिक वाले बॉक्स जिनसे लगती है नंबर प्लेट। भैया जो हमारे साथ बगल पे खड़े हुए हैं उनका चेहरा मैं रिवील नहीं करूंगा, बट भैया कह रहे हैं कि मैंने भैया को ऐसे बोला कि मैंने यूट्यूब इनकम से खरीदी, भैया कह रहे हैं कि कैसे खरीद ली, मतलब इतने पैसे आ जाते। मैंने कहा एक वीडियो मिलने में गई तो दूसरी तैयार, ऐसा होता है। आप क्या कह रहे हो, आपके दोस्त है कोई, उनके कितने? 30,000। वो शॉर्ट डालते हैं कि लॉन्ग वीडियो? दोनों शॉर्ट से आ जाते हैं सब्सक्राइबर, मैं लॉन्ग डालता हूँ, लॉन्ग में पैसा ज़्यादा है। गाइस तुम भी सुन लो, अगर जो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं ना, शॉर्ट्स में पैसा कम होता है, लॉन्ग वीडियोस में ज़्यादा पैसा होता है, तो लॉन्ग वीडियोस से ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, ये है रियलिटी, इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर करना चाहो कभी ट्राई तो मैं सपोर्ट में रहूँगा तुम्हारे, दिक्कत मत लेना ठीक है, कॉन्टैक्ट कर लेना। तो ये है गाइस बाकी अपना पूरा सीन, भैया अंदर लेने गए हैं, लगवा लेते हैं, मैंने 2-3 थंबनेल लिए थे बाकी अपने ठीक है। बाकी गाड़ी कैसी लग रही है बताना, अभी हमारे कवर आ चुके हैं। हाँ ठीक है डन डन। सो गाइस ठीक है, चेहरा नहीं आएगा आपका, आप टेंशन मत लो। सो गाइस अभी अपने प्लास्टिक वाले भैया लेके आ चुके हैं जिन्हें मैं नंबर पर डल दिया ठीक है, तो इसमें ये फिट वगैरह कर रही है। अब फिट होने के बाद जो अपना लुक निकल के आता है एंडिंग में तुम सभी को शो करता हूँ ठीक है। ये अलग ही कुछ इस प्रकार से रहता है कवर, मतलब इससे ना मुड़ती है ना कोई दिक्कत आती है, बाई चांस से निकल के भाग गई है स्पीड में, नहीं निकलेगी। चलो ठीक है, तो गाइस देखते हैं अभी लगने वाली है, फिर लगने के बाद मैं तुम्हें घर पर खड़ी करके इसका पूरा लुक दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जाम लग जाता है यार, एक ही कट है, फिर नहीं तो मैं कार की चौक से घुमा के लानी पड़ेगी गाड़ी। ना यहीं से कट है, लगवा लेते हैं। हाँ ये रहा सामने ही है कट। हाँ चलो गाइस यहाँ लग जाएगी, इंडिपेंडेंट लगाए हैं, अब इसको लग के यहाँ कट जाएगा, और ये देखो ऐसे काट देंगे, ये हो गई 3 रेडी 3 लगा दे, 3 से ज़्यादा मजबूती रहे ताकि निकले ना नंबर प्लेट ठीक है। अभी पूरी प्रॉपर ओके हो जाएगी, ऐसी सेम भैया पीछे लगा देंगे, पीछे भी मैं चेक आउट एक बार तुम्हें करा देता हूँ, ये रही ठीक है, ऐसी भैया ने पीछे लगा दी, एरी अपनी सेम लग जाती है। और अपनी गाड़ी का नंबर आ चुका है बढ़िया सा, तो तुम सभी बताओ कमेंट्स में नंबर कैसा लग रहा है तुम सभी को कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई ऐसी और तगड़े ब्लॉग्स आते रहेंगे, बाकी घर जाके इसका पूरा तुम्हें फाइनल लुक दिखाने वाला हूँ मैं कि नंबर प्लेट लग के फाइनल लुक कैसा आ रहा है। बाकी नंबर प्लेट इज़ रेडी, पेमेंट कर देते हैं इस प्लास्टिक वाले के, एक्स्ट्रा 500 रुपये लगे हैं हमारे, मैं तुमको पहले बता दूँ, नॉर्मल लगवा दे रिपीट वाली तो उसमें कोई नहीं आ रहे थे, कोई इशू नहीं आ रहा था, बट इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं गाइस ठीक है। बाकी नंबर आ चुका है और अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है, सो दिखाते हैं आप सभी को जल्दी से। को अपने घर पे गाड़ी खड़ी कर दी हमने यहाँ पे, क्योंकि यार वहाँ पे ना पुलिस वाले भी थे और ट्रैफिक का भी ज़्यादा लगा हुआ था, तो मैंने सोचा बेल्ट लगा लूँ, बेल्ट तो खैर हमने लगाई नहीं, बट गाड़ी निकाल दी वहाँ जल्दी से। और भी हम जा रहे हैं अपनी बुलेट को लेके, बाकी हमें बुलेट है एक GT का रिव्यू मैंने डाला हुआ, तुम सभी जगह चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं अपने चाची की बुलेट से जा रहा हूँ उनकी दुकान पर, क्योंकि थोड़ी देर दुकान पर बैठना पड़ेगा, उसके बाद हम जा रहे हैं आज रामपुर एक शादी अटेंड करने, तो वहाँ पे तुम सभी ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा तो वो भी देखना तुम आगे आगे। बाकी अभी निकलता हूँ मैं, अभी मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पर, मेरे चाचा जा चुके हैं लंच पे, भी हमारी शॉप है पिंटाली जिन्हें नहीं पता बताता हूँ। तो आज हमारे पास आया है एक नया प्रोडक्ट
जिसका नाम है कॉसमॉक और ये है पेंट रिमूवर, मतलब पेंट को छुटा देता है ये। एक सेकंड से खोल लूँ मैं। अब मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने भी आज तक नहीं देखा, मेरी भी उत्सुकता हो रही थी, तो मैंने सोचा अपने भाइयों को भी साथ में दिखाया जाए। हम ये वाला पेंट हटाते हैं अभी, ठीक है। ये पेंट है, यहाँ हटाता हूँ मैं, थोड़ा इसे साफ़ कर लूँ पहले ज़रा। ये मैं साफ़ कर लिया, ये पेंट है अपना। अब मैं इसको यहाँ पे ये पूरा ढंग से मैंने मार दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सच में पेंट को हटा पाएगा कि खाली दिखावे का ही है ये अपना कॉस्मोस। पूरा रिएक्शन देखना है इसका, ठीक है, कैसे से करता है। लग रहा है इस हटा रहा है, हटा रहा है। देखो जहाँ तक है मुझे तो लग रहा है कि शायद हटा देगा ये, बाकी अभी चेकआउट करना तुम सभी। हटा रहा है धीरे 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 धीरे, रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है इसका। ये हट गए भाई, हटने लग गया भाई सच में यार, ये तो तुम्हारे यहाँ के सामने भाई। ये चेकआउट करो, पपड़ी बना दी इसने पेंट की। अभी मैं तुम सभी को साफ भी करके दिखाऊंगा इसका। ये देखो हट गया, ये देखो हटना लग गया मतलब। और फिर अभी हाथ तो नहीं लगाऊंगा मैं, बट ये देखो इसने पपड़ी जमा दिया पूरे पेंट की। ये चेकआउट करो, बाहर को पपड़ी निकल के आ चुकी है पूरी, ये दिख रही है तो मैं येरी, और नीचे भी पूरी मतलब पपड़ी बढ़िया करके निकाल दी इसने भाई पेंट की। इसका मतलब गाइस हमारा ये प्रोडक्ट काम का है भाई, ये इससे आप कोई भी पेंट हटा सकते हो। और ये नेवल एशियन का ओरिजिनल पेंट है, ठीक है, तो कोई सस्ता भी नहीं है जो इसने हटाया हो, अच्छा पेंट है। अब मैं तुम सभी को ये हटा के दिखाता हूँ इसी अपने पेपर वगैरह से। एक सेकंड रुको, पेपर फाड़ लूँ जरा। अब मैं तुम सभी को इस पेपर से इसे हटा के दिखाता हूँ कि हटता नहीं हटता। लो भाई साहब, ये आ गई पपड़ी हाथ में। ये है भाई प्रोडक्ट्स, ये होती है बातचीत। देखो चिकना चिकना हो गया, ठीक है। तो ये है कमाल अपने इस स्प्रे का, जिसने पेंट का कर दिया एकदम सत्यानाश। बाकी अभी निकल रहे हैं हम रामपुर शादी के लिए, जल्दी से दिखा दूँ तुम्हें। और बाकी अपनी गाड़ी का नंबर कैसा लगा बताना जरूर से कमेंट्स में। अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है अपना, 3 बज चुके हैं पूरे रात के, ठीक है, और रात हो रखी है इस टाइम पे। और मैं शादी अटेंड करके आ चुके हैं रामपुर से, और हम रुके हैं नजीबाबाद में, एक ढाबा है यहाँ पे सैनी ढाबा। और अपनी गाड़ी की हालत हो चुकी है बड़ी गंदी, कल इसको धुलवाएंगे, फिर एक और तगड़ा ब्लॉग आएगा इसके बाद। तुम सब जो देख रहे हो कि ये देखो कितनी डस्ट जम चुकी है, बट ऐसी कुछ अपनी गाड़ी का लुक आ रहा है नंबर प्लेट लगने के बाद। ये तुम सभी चेकआउट कर लो, रात का लुक है, ठीक है। 3 बजे हम यहाँ घूम रहे हैं, ड्राइविंग करके मैं ला रहा हूँ, आके हो चुके हैं फटी हुई, 3 बच्चों का तो चाय पी रहा था कि आके खुले। बाकी अलग अलग एंड एसी के साथ व्लॉग कैसा लगा बता देना मुझे कमेंट्स में। मुझे पता है यार मैं बीच के क्लिप से दिखा पाया, क्योंकि शादी में एकदम निकला और एकदम पहुंचा, और अभी मैंने टाइम निकाल के ड्राइविंग कर रहा हूं, तो अभी जस्ट टाइम निकाल के जल्दी से एक छोटी सी क्लिप बने आप सभी को एंड करने के लिए। रात के 3 बजे हमारा ब्लॉग एंड हो रहा है, बाकी कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, मेरे को प्रेस ऐसी मजेदार ब्लॉग्स देखने के लिए। बाकी 3 बजे तक तुम्हारे ब्लॉग बनाया तो भाई सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।